आज हम लोग बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी के बारे में। और इकोनॉमी कोई भी देश का जानने से पहले हम लोग एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि व्हाट इज इकोनॉमी एक्चुअली इज। हम लोग बात करेंगे 1947 से लेके 2019 टू 2020 तक। कोई भी देश का इकोनॉमिक कंडीशन जानने से पहले आपको जानना चाहिए कि वो देश का बिजनेस ग्लोबली कितना सक्सेसफुल है। जब कोई भी कंट्री का बिजनेस ग्रो अप होगा, इसका मतलब एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ज्यादा होगा, तब ऑब्वियसली पैसा, इसका मतलब मनी जनरेट होगा, जो कि उस कंट्री का इकोनॉमिक कंडीशन को स्ट्रांग करने में सहायता करेगा। हर एक को जानना चाहिए अपना अपना कंट्री का इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में, राइट। इकोनॉमी जो ये वर्ड है ना, देखने में बहुत ही स्मॉल है, लेकिन इसका जो मीनिंग, इसका जो प्रोसेस बहुत ही फास्ट है। सबसे बड़ा चीज, इकोनॉमी का मतलब पैसा नहीं है, ये एक प्रोसेस होता है, जो कि मैं आज अभी इसी वक्त आपको एक स्मॉल एग्जांपल के थ्रू समझाने का कोशिश करूंगा। समझ लीजिए, कुछ भी एक कंपनी है जो कि कोई भी एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर या तो प्रोड्यूस करता है, और वही प्रोडक्ट कंज्यूमर खरीदता है कंपनी से। कंज्यूमर का दिया हुआ पैसे से कंपनी फिर से रॉ मटेरियल्स खरीदता है डिफरेंट सोर्सेस से, वही सेम प्रोडक्ट बनाने के लिए, और ये जो सिलसिला चलते ही रहता है। गवर्नमेंट इस प्रोसेस को मेंटेन करता है डिफरेंट काइंड ऑफ लॉस के थ्रू। अगर एक सेंटेंस में बोलेंगे, कंपनी प्रोड्यूस करता है, कंज्यूमर खरीदता है, और ये जो फुल प्रोसेस है, ये गवर्नमेंट के थ्रू रेगुलेट होता है, जिसको हम लोग एक अक्षर में बोल सकते हैं इकोनॉमी। ये जो इकोनॉमिक होता है, इसका मेन दो टाइप और वैरायटी होता है, एक है इकोनॉमिक बूम और एक है इकोनॉमिक रिसेशन। सडनली अगर कोई कंपनी का ट्रांजैक्शन इंक्रीज हो जाता है बाय वॉल्यूम और बाय नंबर, आप उसको बोल सकते हैं इकोनॉमिक बूम। अगर कोई कंपनी का ट्रांजैक्शन बहुत नीचे चला गया, वो कंपनी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो उस सिचुएशन को आप बोल सकते हैं इकोनॉमिक रिसेशन। तो अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए, परफॉर्म वेल इट मींस बूम एंड परफॉर्म बैड इट मींस रिसेशन। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर इकोनॉमी ऑफ इंडिया। भारत का अर्थव्यवस्था एक मिक्स्ड डेवलपिंग इकोनॉमी है। एक समय था जब भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता था। उसके बाद मुगल्स आए, उसके बाद ब्रिटिश आए, जो कि भारत का पूरा खजाना को खाली कर दिया। और 1947 में जब भारत के पास कुछ भी नहीं बचा, तब जाके भारत को आजादी मिला। आजादी के बाद एग्रीकल्चर सेक्टर का योगदान भारत में सबसे ज्यादा हुआ करता था, और तब से आज तक भारत को एक कृषि प्रधान देश बोला जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हो 1950 में जो एग्रीकल्चरल सेक्टर का ग्रोथ जीडीपी में 50% से भी ज्यादा हुआ करता था। वो टाइम में बहुत सारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जैसे कि गेहूं, चावल, वैरायटीज ऑफ ग्रेन्स, वनस्पति तेल, तंबाकू एक्सपोर्ट किया जाता था बाहर में, जो कि भारत का इकोनॉमी को स्ट्रांग करने में बहुत सक्षम था। ज्यादा टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आज भी वही एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट इंडिया पूरा दुनिया को एक्सपोर्ट करता है। लेकिन धीरे धीरे टाइम बदला और पूरा दुनिया इंडस्ट्रियलाइज सेक्टर की ओर झुक गया। वेस्टर्न कंट्रीज ने इंडस्ट्रियलाइजेशन सेक्टर के थ्रू अपने आप को डेवलप करना शुरू कर दिया था, और ये सब देखते हुए भारत में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन का शुरुआत हुआ। पहले एग्रीकल्चरल सेक्टर का मेजर कंट्रीब्यूशन हुआ करता था भारत का अर्थव्यवस्था में, लेकिन धीरे धीरे भारत में भी दूसरा इंडस्ट्री आया और अपना खुद का प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया। उसके बाद कुछ ऐसे सेक्टर आए जो कि एग्रीकल्चरल सेक्टर को एक साथ रखते हुए काम चालू किए, जैसे कि एनिमल फूड बनाने वाला कंपनी और मिल्क पैकेट बनाने वाला कंपनी। और ऐसा ऐसा कंपनी भी है जो कि अच्छा अच्छा क्वालिटी का फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को नया करके पैक करके उसको फिर से रीसेल करते थे। पर देखा जाए तो भारत का रियल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ सर्विस सेक्टर का ग्रोथ के साथ साथ। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बीपीओ के जैसा टेक्निकल फील्ड में ग्रो के साथ साथ इंडिया का इकोनॉमी भी स्ट्रांग होना शुरुआत हुआ। सर्विस सेक्टर के कारण भारत को अपने आप को ग्लोबली रिप्रेजेंट करने का मौका मिल गया था, और ये मौका भारत गवाया भी नहीं, और भारत अपना बिजनेस को वर्ल्ड वाइड फैला दिया। धीरे धीरे भारत अपना पकड़ बिजनेस में ग्लोबली मजबूत करना शुरू कर दिया। TCS, HCL, Infosys, Wipro, ये सब कुछ एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखा। आजादी के बाद भारत को दो बार आर्थिक मंदी का झटका लगा, पहला 1991 और दूसरा 2008। 1991 में भारत का आर्थिक स्थिति खराब होने में सबसे बड़ा कारण था पेमेंट क्राइसिस। इस दौरान इम्पोर्ट में भारी कमी आया था, जिससे देश दो तरफा घाटे में था, और 1990 के अंत तक स्थिति बहुत ही गंभीर हो गया था। और दूसरा बार भारत में आर्थिक संकट का दस्तक आया 2008 में। 2008 में भारत को उतना आर्थिक संकट झेलना नहीं पड़ा था जितना कि वर्ल्ड का दूसरा कंट्री को झेलना पड़ा। उस टाइम में वर्ल्ड का दूसरा कंट्री के साथ साथ इंडिया का भी इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत कम हो गया था, लेकिन ये चीज ज्यादा दिन नहीं चला, इंडिया अपना ग्रोथ फिर से पकड़ लिया दूसरे ही साल। अभी ये बोला जा रहा है कि भारत में तीसरी बार आर्थिक मंदी का दस्तक आने वाला है, जो कि सिर्फ भारत को नहीं पूरा वर्ल्ड को एक बड़ा झटका देगा। और इसका कारण आपको बताने का दरकार नहीं है, क्योंकि आप लोग सब जानते ही हो इसके बारे में।
जो कि नन अदर देन दैट। 2002 में इंडियन इकोनॉमी था 500 बिलियन का, 2007 में इंडियन इकोनॉमी था 1 ट्रिलियन का, 2015 में इंडियन इकोनॉमी ग्रोथ होके हो गया था 2 ट्रिलियन का। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस COVID-19 वी डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन इन फ्यूचर। अभी हम लोगों को देखने का है कि इंडिया का गवर्नमेंट क्या स्टेप लेते हैं इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। ये जो सिचुएशन अभी चल रहा है ओनली भारत के साथ नहीं हो रहा है, वर्ल्ड का हर एक कंट्री के साथ ये सब चीज हो रहा है। ये जो जॉब छूट रहा है, बेकारी बढ़ रहा है, कारखाना बंद हो रहा है, इंडस्ट्री बंद हो रहा है, ये सब चीज हर एक कंट्री के साथ अभी नॉर्मल है। और ये सब चीज होने के पीछे एक ही कारण है, वो है COVID-19। 2014 में इंडियन जीडीपी रेटिंग में जो ग्रोथ आना चालू हुआ था वो स्टेबल हो सकता था, लेकिन वो स्टेबल नहीं हुआ इन भाई सब के लिए। आज इंडिया के साथ साथ पूरा वर्ल्ड सफर कर रहा है फाइनेंशियली। अगर आप चाहते हो कि मैं इस विषय के बारे में और भी चर्चा करूं और आप लोग और भी जाने इस विषय के बारे में, तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में लिखना मत भूलिए। और अगर अभी तक आप नए हो, सब्सक्राइब नहीं किए, जस्ट गो अहेड एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।